हेलो दोस्तों, आज मिले एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक वैकेंसी आने वाली जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों ये बेस्ट इस वजह से है कि आप ज्वाइनिंग अपने स्टेट में दोस्तों करोगे। दोस्तों ये जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है ESIC, दोस्तों एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। दोस्तों इसमें हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। हम लोग पोस्ट नेम बात करेंगे कि आपको किस पोस्ट पे आपको बहाली होगा, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इसका फी क्या रहेगा। और दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो कमेंट आता है कि सर सैलरी कितना रहेगा, तो हम लोग हर एक पोस्ट वाइज आपको सैलरी भी बात करेंगे और कब से आप अप्लाई करोगे उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 10th, 12th और ग्रेजुएशन। अगर आप 10th की हो, ग्रेजुएशन की हो, तो ये दोस्तों फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कौन से पोस्ट पे आप फिल करोगे। तो दोस्तों ये इसमें जो पोस्ट रहेगा वो MTS रहेगा। दोस्तों MTS मल्टीटास्किंग और स्टाफ का दोस्तों रहेगा एक पोस्ट, और एक जो रहेगा वो LDC यानी लोअर डिवीजन आपका कलर का रहेगा, और एक जो पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा UDC अपर डिवीजन कलर का रहेगा दोस्तों पोस्ट। और दोस्तों जो एक पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा वो HC यानी हेड क्लर्क असिस्टेंट भी कह सकते हो दोस्तों। और जो एक पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा SSO सोशल यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर का रहेगा एक पोस्ट। ये जो पोस्ट रहेगा इसमें जो टोटल जो वैकेंसी आई है, तो आप यहाँ दोस्तों देखोगे जो इसमें जो टोटल सीट रहेगा वो 17,710 दोस्तों सीट रहेगी। इन जो पांचों यहाँ पर पोस्ट रहेगा आपका इस पोस्ट पे आपका टोटल जो सीट है वो 17,710 सीट है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस पोस्ट पे कितने सीट है, इस पोस्ट पे कितने सीट है। तो दोस्तों जो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे MTS का जो पोस्ट रहेगा उसमें टोटल जो सीट है वो आपके 3,341 सीट है। अब MTS के बाद आप दोस्तों देखोगे लोअर डिवीजन यहाँ पर कलर का जो सीट रहेगा वो आपका जो टोटल जो सीट रहेगा वो आपका रहेगा 1923 सीट रहेगा दोस्तों। उसके बाद UDC का दोस्तों जो सीट रहेगा यानी अपर डिवीजन आपका कलर का जो सीट रहेगा वो आपका रहेगा 6,435। तो दोस्तों सीट भी बहुत अच्छे खासे है। तो दोस्तों इसके बाद आप जो AC मानी की हेड आपका कलर जो रहेगा वो आपका 3,415 सीट दोस्तों रहेंगे टोटल। इसमें आप देखोगे SSO इसका जो टोटल सीट रहेगा वो आपका रहेगा 2,596 सीट रहेंगे। तो दोस्तों इस पांचों पोस्ट के टोटल सीट जो आपको मिला कर रहेंगे वो आपके रहेंगे 17,710 सीट रहेंगे दोस्तों। अगर आप 10th, 12th ग्रेजुएशन किए हो तो आप इन पोस्टों में फिल कर सकते हो। अब दोस्तों जो आपका एज के लिए हम लोग बात करेंगे, तो दोस्तों आपका एज जो होना चाहिए वो आपका 18 से 25। अगर आप MTS पोस्ट पे फिल करोगे तो दोस्तों आपका एज जो होना चाहिए वो 18 से 25 ईयर्स की आप होना चाहिए। आप रहोगे तो फॉर्म को फिल करोगे। अगर आप 25 ईयर से ज्यादा हो तो आप और भी पोस्ट के लिए जो फिल करोगे वो आपका 18 से 27 आपका ईयर्स होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और भी MTS के लिए सिर्फ 25 और बाकी सब पोस्ट के लिए आपका 27 आपका। इसमें आपको छूट भी रहेंगे दोस्तों OBC और भी कैटेगरी के 3 ईयर्स 5 ईयर्स में दोस्तों छूट भी रहेंगे। और ये लेके जो कि आपके फी जो रहेगा दोस्तों आपका 500 से आपका 250 रहेगा। अब दोस्तों अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, तो आपको सिर्फ 500 रुपए लगेंगे। आपको जो जनरल ओबीसी के लिए सिर्फ आपको 500 लगेंगे, और आप और भी कैटेगरी ST जो और भी कैटेगरी हो तो आपको सिर्फ 250 रुपए लगेंगे। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर फी भी हमने देख लिया, इसमें क्वालिफिकेशन, पोस्ट नेम, और आप यहाँ पर पोस्ट देख लिया, और इस पोस्ट पे कितने सीट है वो भी देख लिया हमने, और साथ ही साथ हमने एज और फी के लिए बात की है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो सैलरी के लिए, जो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर सैलरी कितने मिलेंगे। तो दोस्तों आपका जो मल्टीटास्किंग जो रहेगा स्टाफ का, उसका सैलरी आपका जो स्टार्ट होगा वो आपका 20,000 से 7,000 तक सैलरी रहेगा दोस्तों। आपका सैलरी इंक्रीज भी होता रहता है। तो दोस्तों जो मोटा मोटी जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 20,000 से 7,000 तक 7,000 तक रहेगा। और उसके बाद दोस्तों अपर डिवीजन यहाँ पर कलर का जो रहेगा वो आपका उसका जो सैलरी रहेगा वो आपका 30,000 से 85,000 तक उसका आपका सैलरी रहेगा। उसके साथ आप देखोगे लोअर डिवीजन कलर का तो इसका जो रहेगा आपका 25,000 से 70,000 तक आपका सैलरी रहेगा। ये सब दोस्तों मोटा मोटी आपका सैलरी है। और इसके बाद आप दोस्तों देखोगे यहाँ पर HC का जो सैलरी रहेगा आपका वो आपका रहेगा 40,000 से 1,12,400 दोस्तों आपका सैलरी रहेंगे आपके रहेंगे। उसके बाद आपको जो SSO का आएगा यहाँ पर सोशल यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर में रहेगा वो आपका 55,000 से 1,50,000 तक आपका सैलरी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी के हमने देख लिया, और यहाँ पर पोस्ट भी देख लिया, कितने सीट मिलेंगे वो भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं आप अप्लाई कब से करोगे। तो दोस्तों इसका जो फॉर्म आने वाला है वो आपका 2nd नवंबर से आपका देखने को मिलेगा। ये फॉर्म जो आएगा वो आपका 2nd वीक आपका नवंबर से आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही फॉर्म आएगा आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर लेना दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
आप दोस्तों आपका कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, आपका हमेशा डाउट क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों ये सब आपके जो वैकेंसी आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।